आफ्टर अ बेवरेज ऑफ ड्रिंक आपको स्टिक्स कुल्फी मिल जाएगी। यहाँ की स्पेशलिटी आइसक्रीम की ड्राई फ्रूट कुल्फी है। तो गाइस अभी हम हेडलाइट का काम करा के निकल चुके हैं, पता नहीं कौन सा शनि चढ़ गया ऐसा। तो अभी हमने दोनों काम ठीक करा लिए, अभी देखते हैं आगे क्या होता है आगे। गाइस दोनों काम हमारे हो चुके हैं, अभी हम धूप भी यार काफ़ी हो रही है, ये देखो दोनों के चेहरे कैसे हैं। तो अभी हम पंजाब की लस्सी लेने के लिए रुके हुए हैं, बाकी हम लस्सी पियेंगे, आपको भी पिलाएंगे, देखेंगे क्या टेस्ट है यहाँ का। तो वेट कीजिए थोड़ा, करते स्टार्ट हम। अभी हम जो मेन मार्केट की शॉप पर आए हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे काफ़ी टाइप की वैरायटीज़, शेक्स वगैरह, लस्सी वगैरह, मॉकटेल सब कुछ मिलते हैं। ये बैक पे मेरी शॉप है, मैं एक बार फ्रंट से आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। मैं थर्ड डिवीज़न की मेन मार्केट है, यहाँ से देख लो आप, ये मंदिर है पास में, ये चौक है। इस शॉप का फ्रंट मैं आपको दिखा देता हूँ, खालसा आइसक्रीम, ये फ्रंट है। काफ़ी वैराइटीज़ की आपको शेक्स वगैरह, लस्सी वगैरह मिल जाएंगी, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, फैमिलीज़ वगैरह काफ़ी पसंद करती है। बाकी इनकी मैंने अभी ऑर्डर जो करी वो प्लेन लस्सी ऑर्डर करी, 40 रुपीज़ है यहाँ का नॉर्मल प्राइस है। एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा टेस्ट है इसका। और बाकी आप आए तो शेक्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, मॉकटेल्स ट्राई कर सकते हैं, आइसक्रीम रोल्स भी होते हैं यार, काफ़ी वैराइटीज़ है यार। मैं तो आइसक्रीम लवर वैसे ही हूँ, ठीक है फिर भी। बाकी इनकी सॉफ्टीज़ होती है नॉर्मल प्राइस में। तो इनकी एक और शॉप है वो जमालपुर में है, जमालपुर गोल मार्केट, जमालपुर गोल मार्केट में। अभी खालसा के नाम से आप विज़िट कीजिए ज़रूर यहाँ पे, खालसा आइसक्रीम, ये देखिए यही सेम ब्रांच है। काफ़ी बड़ी शॉप है, पीछे तक है, बाकी सीटिंग्स भी अवेलेबल है काफ़ी। बाकी मेन्यू मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अवतार सिंह खालसा के नाम से आइसक्रीम, शेक्स, आइसक्रीम रोल, मॉकटेल्स, बाकी शेक्स है, लस्सी है। तो चलिए बाकी हमारी लस्सी भी रेडी हो रही है, बाकी पियेंगे आपको ट्राई करते हैं एक बार क्या है। बाकी लस्सी, लस्सी रेडी हो चुकी है, ये देखिए ये भैया लेकर। भैया आपका नाम क्या है? देवेंद्र। तो काफ़ी अच्छे बंदे हैं, इन्होंने सजेस्ट करा कि यार प्लेन लस्सी गजब बेइज्जती है, एक बार ट्राई करो आप यहाँ की, बहुत शर्माने वाले बंदे, शर्मीले बंदे। तो ये हमारी लस्सी का लुक, ये साहिल का फर्स्ट एक्सप्रेशन, कैसी है? अच्छा टेस्ट है, कैसी है? मस्त। तो चलिए भाई अभी हम वीडियो रोकते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कैसा रिव्यू, फ्रेंड से बताऊंगा आपको कैसा रिव्यू है यहाँ का। हाँ जो दीपांशु सिंह, आप बताइए इधर आपको टेस्ट कैसा लगा, आपको टेस्ट कैसा लगा खालसा आइसक्रीम? तो क्या आप रिव्यू देंगे? अमेजिंग। चेरी ऑन द केक जब होता है, जब इसमें लस्सी के पास हम डालते हैं ऊपर से इसका मलाई। गंदे बच्चे, लस्सी का टेस्ट भाई बहुत जन मैंने। इस शॉप की एक और स्पेशलिटी आपको ड्रिंक बता दो बेवरेजेस में, जो कि है मिल्क बादाम, यहाँ की स्पेशलिटी है। तो एक बार साहिल आपको ट्राई करके बताएगा कैसा टेस्ट है, क्या रिव्यू है, एकदम औरों के कंपैरिजन में और शॉप्स के कैसा टेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा स्वीट है, नॉर्मल स्वीट है? ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। अगर समर में तो यार मतलब खाने से ज़्यादा आपको अगर ड्रिंक में, बेवरेजेस में कुछ मिले तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। तो इस साहिल ने तो आपको रिव्यू बताया अब इसका, अब मैं आपको लास्ट रिव्यू पर बताया था ड्रिंक का, कैसी ड्रिंक है, क्या है इनकी स्पेशलिटी है। अमेजिंग यार,
मुझे तो अमेजिंग लगी, काफ़ी अच्छी है। रबड़ी तो मेरी फेवरेट रहती है ऑलवेज़, मैं उसको वैसे भी खाता रहता हूँ यार। हमारे यहाँ ओल्ड दिल्ली में तो मिलती रहती है रबड़ी, लेकिन यार रबड़ी फ्लेवर्ड ड्रिंक फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, अमेजिंग है, अमेजिंग, काफ़ी अमेजिंग है। तो आप आए इनकी शॉप पे, एक बार विज़िट कीजिए। बॉटल में काफ़ी अच्छी लिटिल टाइनी बॉटल हैं, तो आपको ऊपर स्विम करते हुए आपको ड्राई फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे यार। काफ़ी अच्छी थिकनेस है इसमें, काफ़ी अच्छी थिकनेस है। इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ की स्पेशलिटी ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, जो कि काफ़ी स्पेशलिटी है। यहाँ जैसी आइसक्रीम आपको अभी इस एरिया में तो कहीं नहीं मिल सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेसिकली यहीं पे बनती है इनकी, तो इसकी एक स्पेशलिटी आपको यहाँ के भैया हैं जो ऑनर, वो आपको बताएंगे। उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा, साहिल टेस्ट करके बताएगा कि इसका क्या रिव्यू है। हमारे शॉप के ऑनर से भैया हैं। हेलो भैया, भैया आपका नाम? ओके, आप ऑनर है शॉप के। तो आप स्पेशलिटी आपने यहाँ पे आइसक्रीम दिखाई, ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, इसका एक बार आप रिव्यू बता दीजिए कि कैसे कैसे बनती है और स्पेशलिटीज की क्या क्या मेन मेन चीज़ें। ओके, तो अभी साहिल ट्राई कर रहा है, तो एक बार टेस्ट आपको बता देता हूँ। अमूल वगैरह हो गई, सबसे तो भाई तो टेस्ट हुआ सही लगा, उनसे टेस्ट आज अच्छा है। बाकी समर में आइसक्रीम अगर इससे थोड़ा अच्छी लगा दिया, नॉर्मल जो कम टेस्ट होते हैं दो तीन चीज़ डाल देते हैं उसमें, बहुत होती है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा गया। तो काफ़ी क्वांटिटी भी ठीक है ड्राई फ्रूट्स की, जैसे कि साहिल बता रहा है। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या होता है इसमें? कैश्यूज, आमंड, ओके, वॉलनट, किशमिश, ओके, तीन चार वैरायटीज़ के इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। बाकी फलूदास, ओके, कुल्फा, अच्छा, ओके, तो कुल्फाज भी इनके पास अवेलेबल है, ये मशीन यहाँ पे लगी हुई है। आप आए इनकी शॉप्स पे, एक बार विज़िट कीजिए। लुधियाना है तो ज़रूर इनकी शॉप पर आए यार, मेन मार्केट में। ठीक है सर, फलूदा, साहिल ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट डिश शो लेकर आए हैं यहाँ की स्पेशलिटी, एकदम जेन्युइन रिव्यू। भाई खाते रहोगे, बोलते भी रहो, बोलने का टाइम नहीं मिल रहा। तो यार रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा, देख रहे हो भाई, करना पड़ेगा आपको, तो बताने पड़ेगा, रिव्यू तो देने पड़ेंगे, कैसा खा रहा है, क्या है, मस्त है, क्या टेस्ट है। तो साहिल भाई की एक्साइटमेंट आप देख रहे हो, मतलब खाने से ही पता चल रहा है कि यार, मतलब ये कमेंट नहीं रहे, इनके चुपके सब कुछ बोल रही है कि यहाँ का फ्लेवर कैसा है। फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका, जबरदस्त है। आपको मैं दिखाता हूँ, कुल्फा भी एक ऑर्डर आया है, तो भैया आपको कुल्फा बना के दिखाएंगे। कुल्फा ऐसा पहले वाले टाइम में बहुत चलता था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कुल्फा कैसे बनाते हैं। इन्होंने मशीन यहाँ पे ऑन कर दी है, ड्राई फ्रूट्स ये कट्स करके डाल रहे हैं, तो भैया बताएंगे अभी हम क्या क्या डाल रहे हैं इसमें। अभी आप डाल रहे हो ड्राई फ्रूट्स, श्रेड करके ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो ना आप इसमें? ठीक है भैया, अभी ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, बादाम काजू, यस, ठीक है, ओके, गुलाब के फूल, अच्छा, क्या डाल दो भैया? हैं मीठा पान फ्लेवर, मीठा पान फ्लेवर डाल रहे हैं इसमें, ये रबड़ी, रबड़ी भी इसमें ऐड कर दिया, मेन चीज़ वापिस काट रही है, ठीक है तो देखना है। पते
आज जो हम यहाँ की लास्ट डिश डेजर्ट ट्राई करने वाले हैं वो कुल्फा है पान फ्लेवर। फाइल आपको बताएगा यहाँ पर। पानी खा रहे हो ठंडा पानी मैं बहुत जबरदस्त एक एक चीज़ों को साफ साफ देखेगी इसमें एक एक चीज़ मैं बहुत जबरदस्त बनाया बिल्कुल ठंडा ठंडा रहना बोला बोला भैया एक बार सीक्वेंस वाइज बताओ आपने क्या क्या ऐड किया था स्टार्टिंग से अभी तक। वीडियो तो हमने बना ली उसके बाद आप बताओ क्या क्या ऐड किया था इसमें। पान डाला है पान फ्लेवर ठीक है बादाम काजू पिस्ता ठीक है रोज लीव्स भी डाली है बाकी यार गुलकंद भी डाला है बिल्कुल आपको मीठे पान का फ्लेवर आएगा इसमें यार जी। वाली कुल्फी में भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं इनकी खुद की। ये पान वाली कुल्फी आप ये देख सकते हैं ग्रीनिश कलर है पान वाला। ये ओरियो कुल्फी है ये देखो ये पान कुल्फी है ये ओरियो ये मैंगो ये वाली नॉर्मल ये नॉर्मल कुल्फी है। यार प्राइसेस आपके 20 से लेके 50 तक जाते हैं इनके कुल्फीज के काफ़ी अच्छी कुल्फीज होती है। ये एक और कुल्फी भैया ने निकाली है कौन सी कुल्फी है। यार काफ़ी वैराइटीज़ में भी आपको स्टिक्स कुल्फी मिल जाएगी यार ज़रूर कभी विज़िट कीजिए यार काफ़ी मुझे तो मेरा जो फुल एक्सपीरियंस है ना अमेजिंग रहा वाओ। एक यहाँ की स्पेशलिटी आइसक्रीम की तो ड्राई फ्रूट कुल्फी है। ये पैकिंग्स में आपका 250 ग्राम में ओके ब्रांडिंग में भी आते हैं नॉर्मल पैकेजेस में आते हैं 250 ग्राम्स 500 1 केजी तो यार काफ़ी अच्छी इन्होंने पैकिंग्स वगैरह की हुई है। तो कुछ और भी अभी दिखा रहे हैं ब्रांडिंग के स्टिकर्स हैं देखिए भैया की ब्रांडिंग लगी हुई है खालसा आइसक्रीम के नाम से कॉन्टैक्ट नंबर है डिवीज़न नंबर 3। अभी हमने काफ़ी रिव्यू करा है इनकी शॉप्स का तो इन्होंने अभी जो बताया है कि यार अगर आप हमारे नाम से इनका एक खुद का एक कॉइन है जैसे बिटकॉइन टाइप आप ले लेते हैं तो इनका एक कॉइन है ये देखते हैं अगर आपको दिख रहा होगा इनमें कोई नहीं मैं स्क्रीन पर फ़ोटो डाल दूँगा ना आप हमारे नाम से आते हैं हमारे चैनल की वीडियोस देखकर आते हैं आप इनके ऊपर डिस्काउंट के लिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये कूपन दिखा दीजिए आप ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से मार्केट से या आप इनके शॉप एक बार लास्ट में दिखा दो खालसा आइसक्रीम के नाम से है मेन मार्केट नियर चौड़ा बाज़ार। भाई ने घर के लिए भी ले लिए है यार काफ़ी अच्छा जेस्चर था इन सबका काफ़ी अच्छा स्टाफ है ऑनर भी काफ़ी बेस्ट है यार तो आप प्लीज़ एक बार आ जाइए यहाँ पे मेरे कहने से एक बार मेरी रिक्वेस्ट से एक बार आप आइएगा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इनके वैराइटीज़ भी अच्छी है और प्लस इनका बिहेवियर तो यार उससे भी ज़्यादा मीठा है यार तो यार थैंक यू सो मच। अभी हम निकलते हैं मासी के घर के लिए। मॉर्निंग गाइस कैसे हैं आप सभी Day 3 पंजाब में आपका स्वागत है। तो यार अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए बाइक हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। ये देखो शायद आपको व्यू दिख रहा होगा यहाँ बाइक का बैक पैक कर दिया है तो अभी हम सबको मासी वासी को सबको बाय बोलने वाले हैं। सबसे पहले एक शोते शैतान से मिल लो इसका नाम है रूहान बहुत नॉटी है वो चले चले दिल्ली चले चलो बाइक पे चलो देखो बस अभी रेडी है जाने के लिए तो मेरी दीदी है ये है रूह की बुआ की बुआ है और मेरी मासी हेलो कर दो हेलो ये मेरे मास्टर जी है तो अभी अभी निकलते हैं टाइम क्या हो रहा है टाइम 11 बज रहे हैं अभी 5.5 घंटे का नेविगेशन में दिखा रहा है उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ब्रेक लगाते हैं कहाँ पे क्या करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे की राइड के लिए। राइड जो स्टार्ट कर रहा है वो साहिल कर रहा है बाकी जहाँ थक जाएगा वहाँ मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट बाय।